कोल्हापुर ले चलते हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो मैदान में। आपकी मताधिकार का उपयोग करकर एक नई सरकार चुननी है जो तय करेगी कि 5 साल तक किस पार्टी की सरकार रहेगी, किस व्यक्ति की सरकार। जनता के सामने दो विकल्प, एक और मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व के अंदर, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के अंदर भाजपा और शिवसेना का सेना खड़ी, और दूसरी ओर राहुल बाबा और शरद पवार जी के नेतृत्व में। ये दोनों के बीच में महाराष्ट्र की जनता, कोल्हापुर की जनता ने अपना निर्णय लिया। आज मैं जब यहां आया हूं तब आपका सबका और पूरे महाराष्ट्र की जनता का हृदय से धन्यवाद करने आया हूं कि आपने 2019 मई में मोदी जी पर भरोसा करकर, भोले शंकर की तरह कृपा करकर मोदी जी की झोली को कमल के फूलों से भर दिया, जिसके कारण फिर से एक बार मोदी जी पर महाराष्ट्री है, जिसके कारण मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से पंचायत। मित्रों, देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी को 300 सीटें दे दी और मोदी जी ने पहले ही सत्र के अंदर 70 साल से देश की जनता जिसकी राह देखती थी, दिल में कसर थी कि कश्मीर हमारे साथ जुड़ा नहीं है, उसका कारण धारा 370 और 35 है। मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 को उखाड़ कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। और मित्रों, हम तो जब राजनीति में आए जनसंघ के जमाने से थे कि इस देश में दो प्रधानमंत्री, एक ही प्रधान, एक देश में दो निशान नहीं हो सकते, एक ही राष्ट्र दो हो सकते, और एक देश में दो संविधान नहीं हो सकते हैं, एक ही संविधान हो सकते। कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को धारा 370 देकर इतने सालों तक कश्मीर को भारत से जोड़ने की प्रक्रिया रोक कर रखी। उसी के कारण कश्मीर के युवाओं के हाथ में पाकिस्तान ने हथियार हमारे 47 AK-56 राइफल थमाई और नतीजा यह आया 40 से 50 लोग देश के कश्मीर के अंदर आतंकवाद की भेंट चल रहे, आतंकवाद की बलि। मगर धारा 370 हटाने का किसी का कोई मकसद नहीं था, न किसी की हिम्मत। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने प्रधानमंत्री आए, इतने प्रधानमंत्री गए, मगर धारा 370 हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधान बने, एक 56 इंच की छाती वाले आदमी ने धारा 370 को हटाया। मुझे बताओ कोल्हापुर वालों, मोदी जी ने धारा 370 हटाई अच्छा किया या बुरा किया? मैं नहीं पता है, जोर जोर अच्छा किया या बुरा किया? अब आप कह रहे हैं अच्छा किया, ये राहुल बाबा और शरद राव कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं आपने धारा 370 रखी है। मैं कोल्हापुर के लोगों को कहने आया हूं कि विकास के ढेर सारे काम हैं, मैं बताऊंगा आगे, मगर ये चुनाव धारा 370 हटने के बाद
बेहद चुनाव हो गई है। महाराष्ट्र की जनता, कोल्हापुर की जनता, जब कांग्रेस और एनसीपी के लोग प्रचार करने के लिए आए तब उनको जरूर पूछे कि आप धारा 370 हटाने के साथ हो या नहीं हो। पर मेरे को साहब समझ में नहीं आता, उनको तकलीफ है, हम पीपल तलाक हटाते हैं वो विरोध करते हैं। मुझे बताइए पीपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं होता? ऐसे नहीं जोर से बोले पीपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। सारी माताएं बहने बताए पीपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, वो विरोध कर रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी उनके शासन के अंदर जब यूपीए की सरकार थी देश में घुसकर हमारे जवानों की हत्या, सर काट कर ले जाते, सर को पैरों से पानी, हम देश के पंडित प्रधान मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से ऊंट नहीं निकल सके। नरेंद्र मोदी जी आए, पूरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवा